हेलो फ्रेंड्स, फीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस वक्त पूरे मुमरा कौसा में एक बच्चे की लाश मिलने की सनसनी फैली हुई है पूरे मुमरा कौसा में। और आज मैं उसी जगह पर हूं, मुमरा से सटे भोलेनाथ नगर, शिवली नगर के बीच में, जहां पर मिलने की सनसनी फैली हुई है। फिलहाल जो है हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिछले कई घंटों से ढूंढने का प्रयास जारी है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड और जो है पुलिस के जो जवान हैं, वो लोग सब यहाँ पर जो है कई घंटों से जो है यहाँ पर बच्चे की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे दो दो जेसीबी चल रही हैं पिछले कई घंटों से, लेकिन बच्चे की सुराग नहीं मिल पाई है। बहरहाल जो मुमरा कौसा में जो सनसनी फैली हुई है कि एक 4 साल का बच्चा, वो कौन है, कैसा है, किसका है, कौन है उसका जिम्मेदार, उस बच्चे का आखिर वो बच्चा आया कहाँ से, ये सारे तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। और यहाँ पर कई घंटों से लोग जो है जमा हुए हैं। एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ, आप देखें मेरे कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम और जेसीबी और पुलिस यहाँ पर जो है तैनात है, जांच कर रही है, देख रही है कि आखिर जो है कहाँ पर है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, ये दरअसल मामला सुबह 11 बजे की है और यहाँ पर इसी क्षेत्र में जो है टोरेंट पावर वो काम कर रही थी और उन्हें ये चीज़ जो है दिखाई दिया, उन्हें इस तरह का अंदेशा मिला कि एक बच्चे की लाश जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद जो है शिकायत की गई, बताया गया, जानकारी दी गई फायर ब्रिगेड की टीम को, पुलिस को, और मौके वारदात पर यहाँ पर पहुँचे। लगभग 12 बजे से यहाँ पर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक बच्चा नहीं मिला है, लेकिन लोगों की उम्मीदें भी लगी हुई हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, कोई जानवर हो सकता है। बहरहाल जो है काफ़ी कई घंटों से कोशिश चल रही है, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है बच्चे का। कोई 4 साल का बच्चा बता रहा है, कोई 3 साल का, कोई 2 साल का, तरह तरह के सवाल हैं और तरह तरह के लोग जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में वो बच्चा कौन है, कहाँ का है, कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है लोगों के मन में गूंज रहा है। पिछले कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हूँ, तरह तरह से लोग जो है बता रहे हैं, कोई बता रहा यहाँ पर है, कोई बता रहा वहाँ पर है, लेकिन जेसीबी से भी खोद कर तसल्ली ले लिया गया, जेसीबी से भी ढूंढा गया। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, पुलिस जो है, प्रशासन जो है काफ़ी जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई इस बच्चे की लाश का पता नहीं मिला है। बहरहाल अगर लाश मिलती है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे प्रहार टाइम्स के माध्यम से। फिलहाल मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आप वापस एक बार देख सकते हैं, सीबी से लेकर यहाँ तक जो है बताया गया था कि इस जगह तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम चालू थे सुबह के वक्त है टोरेंट पावर के लोग, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया है, इस तरह का उनका कहना था। उनके सूचना देने के बाद जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन सब एक साथ आई और ये इस बच्चे की तलाश में जुट गई। बहरहाल बच्चा नहीं मिला। और इसी के साथ 4:30 बजने को है और लोग जो है अब जो है थक चुके हैं, यानी प्रयास उनका जो उत्तेजित था, उनका जो ढूंढने का प्रयास था, वो कहीं ना कहीं थम सा गया है। अब जो है लोग एक जगह पर जमा होकर राय मशवरा कर रहे हैं कि आखिर वो बच्चा कहाँ दिखा था, कब दिखा था। लेकिन हम जानेंगे इसी इलाके से कमरुल हुदा, जो समाज सेवक है, उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि वो भी इसी जगह पर मौजूद हैं और हम उनसे भी जानते हैं उन्होंने क्या कहा है। यहाँ टोरेंट वाले कुछ केबल डाल रहे थे, उनको ऐसा लगा कि मतलब यहाँ एक बच्चे का लाश है, करीब तकरीबन 2.5 से 3 साल का। तो करीब 2 घंटे से कंटिन्यू दो जेसीबी लग के यहाँ पे तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ मालूम पड़ नहीं पा रहा है। फिलहाल क्या लग रहा है? अब
मुझे तो बहुत कम उम्मीद है कि ये सब अफवाह लग रहा है। तलाश तो जारी है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। और इसी के साथ कैमरामैन जफर के साथ फिरोज हाशमी, प्रहार टाइम्स, मुमरा।